अभी आपको बताएं, एलएनजी केस में पेशरफ्त, नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ जिमनी रेफरेंस एतराजात दूर करके एहतसाब अदालत में दोबारा जमा करवा दिया। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में एलएनजी केस में जिमनी रेफरेंस दोबारा दायर कर दिया। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दस्तावेजात नामुकम्मल होने पर जिमनी रेफरेंस पर एतराज आयद करके वापस किया था। एलएनजी केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान के खिलाफ जिमनी रेफरेंस में कहा था कि गैर कानूनी माहदों से 21 अरब का नुकसान हो चुका है। मनपसंद कंपनियों को गैर कानूनी ठेकों से 14 अरब का फायदा पहुँचाया गया। 4 साल तक दूसरा टर्मिनल फाल न बनाया, 7.5 अरब का नुकसान हुआ। माहिदे से आइंदा 10 साल कौमी खजाने को मजीद 47 अरब का नुकसान पहुँचेगा। जिमनी रेफरेंस के मुताबिक शाहिद खाकान ने 560 मिलियन की रकम वापस अपने बेटे के अकाउंट में मुंतकिल की। अब्दुल्ला खाकान 2013 से 2017 के दरमियान हासिल रकम पर वजाहत न दे सके।